हेलो गाइस, कैसे हो सब लोग। सो गाइस देखो, सबसे पहले मैं आप लोगों के सामने माफी मांग लेता हूँ क्योंकि गाइस देखो बहुत टाइम से वीडियो नहीं आ रहे थे। अरे क्या बात है ना, दुर्गा पूजा चल रहा था इसीलिए मैं भी एंजॉय कर रहा था, आप भी एंजॉय कर रहे थे तो वीडियो थोड़ा सा स्किप हो गया। और बाय द वे गाइस, आपका कैसा दुर्गा पूजा गया मेरे को कमेंट सेक्शन में जरूर से बता देना। मेरा तो एकदम अच्छा गया है, आपका कैसा गया मेरे को कमेंट सेक्शन में जरूर से बता देना। तो गाइस चलो अभी वीडियो के ऊपर आते हैं। मैं आप लोगों के लिए गाइस देखो क्लैश कॉर्ड रैंक के ना कुछ ऐसे सीक्रेट टिप्स एंड ट्रिक्स लाए हूं इस वीडियो में। टोटली गाइस अलग होगा, मतलब मेरे पिछले वाले क्लैश कॉर्ड रैंक के जो टिप्स एंड ट्रिक्स थे उससे गाइस ये वीडियो पूरा अलग ही होगा। तो मतलब आप लोगों को बहुत ही ज्यादा मजा आएगा, कुछ नया सीखने को मिलेगा। तो गाइस फटाफट पहले वीडियो को लाइक कर देना, 7000 लाइक फटाफट कर देना। और चैनल पे अगर न्यू आ रहे हो तो गाइस आपको तो पता ही है क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करके पास में घंटा जो है उसको गाइस जरूर से ऑन कर देना। सो गाइस जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो गाइस देखो, जो फर्स्ट नंबर ट्रिक है ना वो है गाइस, मैं आप लोगों को जो अभी के टाइम में जो बेस्ट कैरेक्टर कॉम्बिनेशन है क्लैश कॉर्ड रैंक के लिए वो गाइस मैं आप लोगों को बता देता हूं। क्योंकि गाइस देखो कैरेक्टर कॉम्बिनेशन एज यूजुअल आप लोगों को पता ही है बहुत ही ज्यादा मैटर करता है। तो गाइस देखो आप लोगों ना एक्टिव स्किल में तात्सुआ लेना है, उसके साथ गाइस आप लोगों को सोनिया रखना है और बाकी जो दो कैरेक्टर होगा वो गाइस आप लोग अपने हिसाब से रख सकते हो। वैसे मेरी बात मानो तो गाइस आप लोग हार्ट और जोटा का यूज कर सकते हो। अब तात्सुआ गाइस आप लोग क्यों लेना है वो गाइस मैं आप लोगों को बता देता हूं। क्योंकि गाइस देखो तात्सुआ का हेल्प से ना आप लोग इधर से उधर जल्दी जल्दी जा पाओगे। अगर एनिमी मतलब आपको अगर एनिमी कोई डैमेज दे रहा है तो गाइस आप लोग फटाफट इधर से उधर जल्दी जल्दी जा पाओगे। जैसे कि देखो मैं बैकग्राउंड क्लिप में देख ही पा रहे हो गाइस, एक बंदे को नॉक कर रहा हूं, वो साला बंदा सोनिया हो जा रहा है। तो मेरे को इधर से उधर भागने में बहुत ही ज्यादा हेल्प मिल रहा है। तो गाइस ये बहुत ही ज्यादा फायदा है यार, रश करने में आप लोगों को हेल्प करेगा, इधर से उधर भागने में गाइस आप लोगों को हेल्प करेगा, काफी ज्यादा काम आएगा। और ये स्किल गाइस आप लोग बहुत टाइम गेम में अप्लाई कर सकते हो, मतलब जल्दी जल्दी चार्ज हो जाता है। तो गाइस आप लोग अपने हिसाब से अप्लाई कर सकते हो। और उसके साथ गाइस मैंने सोनिया क्यों रखने को बोला उसका गाइस आपको तो पता ही, क्योंकि सोनिया अभी के टाइम में मतलब ट्रेंडिंग कैरेक्टर है, सभी के सभी बंदे सोनिया ले रहे हैं या तो आप लोग क्यों नहीं लोगे। तो गाइस आपको सोनिया रखना ही रखना है। और सोनिया का हेल्प गाइस जैसे कि देखो मैं इधर मतलब स्कोप किया हुआ था, मेरे को बंदा डैमेज दिया तो गाइस मेरे पास सोनिया था तो मैं 3 सेकंड मेरे को मिला, मैं फटाफट कवर पे आ गया, रिवाइव भी हो गया। तो इसलिए गाइस आप लोग को सोनिया रखना ही रखना है। गाइस देखो जो सेकंड नंबर ट्रिक है ना वो है गाइस देखो, आप लोग जिस भी एनिमी को नॉक करोगे गाइस आप लोग उसको फिनिश करना ही करना है, ये गाइस मैंडेटेड ही है भाई। अभी के टाइम में आपको पता ही है दिमित्री का यूज कितना ज्यादा हो रहा है। जैसे ही गाइस देखो मैंने 3 बंदे को नॉक कर दिया, इतना ज्यादा मेरे को गुस्सा आ रहा था ना, मैंने 3 बंदे को नॉक कर दिया, बट गाइस देखो दिमित्री के हेल्प से सभी के सभी बंदा रिवाइव हो गया और सभी के सभी रिवाइव होकर मेरे को आके पेल देंगे। तो ये गाइस बहुत ही ज्यादा डिसएडवांटेज है गाइस, आप लोगों को ऑलवेज ट्राई करना है, जब भी आप लोग किसी बंदे को नॉक करोगे फटाफट जाके पहले आप लोग उसको फिनिश करना है, उसके बाद गाइस दूसरे बंदों से फाइट लेना है। ये गाइस बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है गाइस। पहले के टाइम में हम लोग क्या करते थे, मतलब तीन बंदे को नॉक कर देते थे, फिर लास्ट वाले बंदे को हम लोग क्या करते थे किल करके पूरा एकदम चार चार किल आता था। बट अभी के टाइम में गाइस ऐसा नहीं होगा, आप लोग एक बंदे को नॉक करने के बाद तुरंत गाइस आप लोग उसको फिनिश कर देना है वरना वो रिवाइव हो जाएगा। इसके बाद गाइस जो थर्ड नंबर ट्रिक है वो है गाइस देखो, अभी के टाइम में फर्स्ट राउंड अगर आप लोग को जीतना है ना तो गाइस आप लोग को बहुत सारे ऑप्शन मिल जाएंगे। आप लोग गाइस आप लोग G18 ले सकते हो, M500 ले सकते हो, ऊपर से गाइस आप लोग क्या कर सकते हो ड्रॉप लूट के आप लोग सीट का यूज कर सकते हो, बहुत सारे ऑप्शन है गाइस। देखो मैं आप लोगों को बोलूंगा अगर आप लोग चाहो तो ड्रॉप लूट लो, फटाफट जाके गाइस आप लोग ड्रॉप लूट लो, ड्रॉप में आप लोगों को सीन मिल जाएगा जो कि गाइस शॉर्ट रेंज में आप लोगों को बहुत ही ज्यादा हेल्प करेगा। अगर आप लोगों को ड्रॉप मतलब अगर आपका सीट चलाने का मन नहीं है तब गाइस आप लोग G18 ये सब ले सकते हो। M500 के पीछे गाइस मत जाओ, क्योंकि गाइस देखो क्या होता है ना M500 से आप लोग तो लॉन्ग रेंज में मार ही दोगे, मेरे को कॉन्फिडेंस है भाई, आप लोग मेरे सब्सक्राइबर हो, लॉन्ग रेंज में आप लोग अच्छा खासा मार ही दोगे, शॉर्ट रेंज में भी मार दोगे, बट बहुत टाइम M500 धोखा दे देते हैं आप लोगों को पता है, शॉर्ट रेंज में लगता ही नहीं है भाई, एकदम ही नहीं लगता। तो उससे अच्छा गाइस आप लोग G18 ले लो, G18 लेके पूरे एकदम स्पैम करके मार दो, और बहुत जन का लो एंड डिवाइस भी होता है तो गाइस आप लोग G18 सिंपली ले लो, G18 से पूरा एकदम धमधम धमधम स्पैम करके मारो। इसके बाद गाइस जो फोर्थ नंबर ट्रिक है वो गाइस देखो मैं आप लोग गन कॉम्बिनेशन बता देता हूं। गाइस देखो अभी के टाइम में शॉर्ट रेंज में अगर आप लोग को कोई शॉटगन चलाना है और अगर आपके पास कोई भी स्किन नहीं है ना तो गाइस आप लोग बेझिझक MAC-7 चलाओ, MAC-7 बहुत ही ज्यादा ओपी गन है। ये गन चलाने में गाइस आप लोगों को मतलब कोई भी स्किन का जरूरत नहीं पड़ेगा, विदाउट स्किन बहुत ही ज्यादा ओपी चलता है। लॉन्ग रेंज में गाइस अगर आप लोगों को कुछ चलाना है और वो गन का अगर आप लोगों के पास स्किन नहीं है तो गाइस आप लोग सिंपली ग्रोदा चला सकते हो या फिर वुडपेकर चला सकते हो, तो काफी ज्यादा अच्छा है। और वरना गाइस आप लोग AWM भी चला सकते हो। इसके बाद गाइस देखो जो फिफ्थ नंबर ट्रिक है ना ये कोई ट्रिक नहीं है, एक मिस्टेक है। गाइस देखो आप लोगों को क्या करना है ना, कभी भी गाइस जैसे मैं इधर कर रहा हूं गाइस ये वाला गलती आप लोगों को नहीं करना है, आप लोगों को ओपन में ऐसे कभी नहीं भागना है भाई। ओपन में ऐसे भागने जाओगे सीधा बंदा आपको हेडशॉट मार के चले जाएगा, फिर गाइस बाद में आप लोग रोओगे। तो ये गलती गाइस मैंने किया था बट मेरा फर्ज बनता है आप लोगों को बताना, तो ये गलती आप लोग दोबारा मत करना। आप लोग ग्लू वॉल लगा के रश करना, ऐसे कभी भी ओपन में रश मत करना।
इसके बाद गाइस जो 6 नंबर ट्रिक है वो गाइस देखो क्लैश और रैंक में ना आप लोगों को अच्छा खासा एक मूवमेंट होना जरूरी है अगर आपके पास ग्लू वॉल नहीं है तो। अब गाइस देखो अगर आपके पास ग्लू वॉल नहीं है बट आपका मूवमेंट स्पीड अच्छा है ना तो गाइस आप इजीली एनिमी को मार दोगे। जैसे गाइस देखो ये मेरा जो टीममेट था इतना ओपी तरीके से मूवमेंट दिखा रहा था तो सामने वाला एनिमी इसको मार ही नहीं पाया। तो गाइस आपके पास अच्छा खासा एक मूवमेंट होना जरूरी है। और अगर आप लोग चाहो कि मतलब अगर आप लोग चाहते हो कि मैं एक मूवमेंट के ऊपर वीडियो बनाऊं कि आप लोग कैसे एकदम ओपी वाला मूवमेंट कर सकते हो, राइट स्टार वाला मूवमेंट कर सकते हो, एकदम जिगजैग मूवमेंट कैसे कर सकते हो, उसके ऊपर गाइस अगर आप लोगों को वीडियो चाहिए तो गाइस लाइक कर देना वीडियो को और एक कमेंट कर देना, छोटा सा एक कमेंट कर देना कि मेरे को ये मूवमेंट वाला वीडियो चाहिए। ऐसा गाइस आप लोग कमेंट कर देना, मैं फटाफट वीडियो ला दूंगा आप लोगों के लिए। गाइस देखो जो 7 नंबर ट्रिक है ये भी कोई ट्रिक नहीं, एक मिस्टेक है। देखो गाइस आपको क्या करना है ना, आपको कभी भी ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना है। गाइस कॉन्फिडेंट होना अच्छा है बट ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना है। जैसे गाइस देखो इस क्लिप में मैं बहुत ही ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंट हो गया था। गाइस आप लोग बैकग्राउंड क्लिप में देख ही पा रहे हो, एक बंदे को मैंने AWM से नॉक किया था और एक बंदे को मैंने डैमेज दिया था। और गाइस देखो मैं इधर से भाग जाता, मतलब इधर से मैं भाग जाता, मैंने सोचा भाई मैं उसको मार दूंगा। और गाइस देखो मैं इधर आया, सामने वाला बंदा ही मेरे को मार दिया और मैं फालतू का मर गया। तो गाइस कभी भी ऐसा गाइस आप लोगों को ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना है, आप लोग फालतू का मर जाओगे। कॉन्फिडेंट होना अच्छा है बट ओवर कॉन्फिडेंट होना अच्छा नहीं है। आप लोग पहले हील करो, हील करने के बाद ही रश करो, ग्लू वॉल लगा के ही रश करो। ऐसे फालतू में ज्यादा कॉन्फिडेंट हीरो बनने जाओगे, जीरो होके चले आओगे। इसके बाद गाइस देखो 8 नंबर ट्रिक है वो है गाइस देखो आपका टीम कोऑर्डिनेशन कैसा होना चाहिए, मैं आप लोगों को बता देता हूँ। गाइस देखो आपके टीम के अंदर ना 2 रशर गाइस आप लोग रखना, ठीक है, 2 रशर रखना। उसके साथ गाइस एक ऐसा बंदा रखना जो गाइस एसोल्टर होगा, मतलब क्या होगा, सपोर्टर होगा, जो आप लोगों को पीछे से कवर दिखा, पीछे से वुड पिकर से कवर दे सकता है, ग्रूजा से कवर दे सकता है और सही टाइम पे वो भी बंदा रश करने के लिए आएगा, मतलब आपको कवर देने आएगा। और 2 बंदा तो रशर होगा ही होगा जो कि गाइस एकदम पूरा रश करेंगे। और एक बंदा गाइस आपका AWM वाला रखना जो कि स्नाइपर चलाएगा, स्नाइपर से आपको बताइए कितना अच्छा खासा कवर मिल जाता है पीछे से। तो एक बंदा आप लोग स्नाइपर रखना, और गाइस ऐसा कॉम्बिनेशन आपका अगर हुआ तो गाइस आप लोग ज्यादा मैच जीतोगे। और वीडियो अभी तक देख रहे हो तो गाइस देखो एक बोनस ट्रिक तो आप लोगों के लिए बनता है यार, तो मैं इसलिए आप लोगों को बोलता हूँ वीडियो आप लोग पूरा लास्ट तक देखो, कुछ ना कुछ सरप्राइज तो मैं दूंगा ही दूंगा। तो एक बोनस ट्रिक मैं आप लोगों को दे देता हूँ जो ये गाइस काफी ज्यादा आप लोगों को काम आएगा, वो है गाइस देखो अगर आप लोग दिमित्री का यूज करते हो, मतलब गाइस अगर आप लोग एक्टिव स्किल में दिमित्री का यूज करते हो ना, तो उसके साथ गाइस एक कैरेक्टर जो कि गाइस आप लोगों को रखना ही रखना है वो है थीवा। अब दिमित्री के साथ आप लोगों को थीवा क्यों रखना है ये गाइस देखो, जैसे कि मैंने एक बंदे को नॉक कर दिया, ये बंदा गाइस मेरे को नॉक कर दिया। अब गाइस देखो ये बंदा क्या करेगा, इसके पास थीवा है, दिमित्री है, तो वो दिमित्री चलाया और गाइस देखो सामने वाला जो एनिमी है 1 सेकंड के अंदर रिवाइव भी हो गया और उसका हेल्थ भी फुल हो गया, मतलब उसका पूरा एकदम हेल्थ हो गया। तो गाइस इसलिए आप लोगों को दिमित्री प्लस थीवा का कॉम्बिनेशन रखना ही रखना है। और थीवा गाइस अगर आप लोग अकेले भी लोगे तब भी गाइस रिवाइव देने में काफी ज्यादा काम आएगा, पर दिमित्री अगर आप लोग ले रहे हो तो गाइस आप लोग सोनिया भी लेना, सोनिया के साथ गाइस थीवा तो मैंडेटरी है, मतलब आपके पास अगर थीवा नहीं हुआ तो दिमित्री एकदम फालतू चला जाएगा क्योंकि रिवाइव होने में टाइम लगेगा, बट थीवा अगर आपके पास है तो 1 सेकंड के अंदर रिवाइव भी हो जाएगा, उसका हेल्थ भी फुल हो जाएगा। तो इसलिए गाइस आप लोगों को थीवा रखना ही रखना है। और गाइस ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा मेरे को फटाफट कमेंट सेक्शन में जरूर से बता देना। और मेरे को गाइस अगर आप लोग इंस्टाग्राम में फॉलो करना चाहते हो तो गाइस फटाफट फॉलो कर लो यार, 5000 फॉलोअर जल्दी जल्दी मेरे को इंस्टाग्राम में फॉलो कर लो, इंस्टाग्राम का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और गाइस देखो अगर आप लोगों का डेजर्ट ईगल से 1 टैप हेडशॉट नहीं लग रहा है ना तो गाइस आप लोग फटाफट राइट वाली वीडियो देखो, गाइस आप लोगों का डेजर्ट ईगल से 1 टैप हेडशॉट लगेगा ही लगेगा वो वीडियो देखने के बाद, ये गाइस मेरा गारंटी है। और गाइस देखो अगर आप लोगों का एम लॉक होने में प्रॉब्लम हो रहा है, रेड नंबर गाइस अगर आप लोगों का नहीं लग रहा है ना, तो गाइस आप लोग फटाफट लेफ्ट वाली वीडियो देख सकते हो। सो गाइस चलो टाटा बाय बाय पीस।